हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के ऊपर, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। गाइस, फिबोनाची के बारे में जो लोग नहीं जानते आज वो लोग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और जिन लोगों को पता है कि फिबोनाची ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज होती है वो लोग भी आज इस वीडियो को देखने के बाद, इतना तो मैं कंफर्मेशन से कह सकता हूं कि वो लोग इजीली ट्रेडिंग कर पाएंगे फिबोनाची सीरीज के ऊपर। अब देखो, फिबोनाची सीरीज जो है काफी अच्छा काम करती है ट्रेडिंग के अंदर, ये हम सभी जानते हैं, जिनको पता है वो लोग भी जानते हैं कि काफी अच्छा काम करती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं खुद अपने ट्रेडिंग के अंदर फिबोनाची का यूज करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई फिबोनाची काम ही इतना अच्छा करती है। अब देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो एक आपके पास हाथ में एक बॉल है, ठीक, तो मान लो आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो अब ग्रेविटी क्या करेगी, उस बॉल को अपने नीचे की तरफ लेगी, तो बॉल आपने ऊपर फेंकी अब वहां से नीचे जाएगी, बट ऐसा तो नहीं कि वो नीचे ही जम जाएगी। अब वो नीचे जा आने के बाद एक बार थोड़ा सा फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर जाकर के वो रुक जाएगी नीचे ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो टिप्पा हम बोलते हैं, टिप्पा जो बॉल खा रही है, मतलब बॉल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा नीचे, इसी तरीके से हम फिबोनाची का यूज करेंगे। अब देखो कैसे, फिबोनाची में क्या क्या होता है सारी चीजें बताऊंगा। और एक चीज, हाँ, बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें। हर टाइम फ्रेम पर एप्लीकेबल है फिबोनाची सीरीज। देखो, ये है हमारी फिबोनाची सीरीज, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। ये हो गई बेसिक चीज फिबोनाची सीरीज के ऊपर। मैं लिख भी देता हूं हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे तो आपने समझ ही गए होंगे, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। यहां मैंने लिख भी दिया है फिबोनाची सीरीज, समझ में आ जाए ताकि आपको। अब देखो, फिबोनाची सीरीज के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना। अब मान लो आप खड़े होके बॉल फेंक रहे हो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो वो नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, पहली बार में तो काफी ऊपर आ जाएगी, मतलब जितने ऊपर से आपने फेंका था उतने ऊपर नहीं लेकिन काफी ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर पिछले वाले से कम जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फिबोनाची सीरीज काम करती है। अब देखो, इसमें कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि हमको जो जो लेवल्स याद रखने हैं पहले उनको समझ लो, 0.6, 0.5, 0.382 और 0.286। इसके अलावा हमें किसी से मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है इसके अलावा, बस हम इतनों से मतलब रखेंगे। अब इनका काम कैसे होता है, ठीक है भाई, हमने चार लेवल याद रख लिए, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618। अब इनका यूज बताओ भाई, ये तो हमने याद कर लिया, चलो ठीक है याद कर लिया, यूज बताओ अब इनका कैसे करेंगे। यूज बताता हूं, अभी बताता हूं। देखो, एक ट्रेंड बना रहा हूं मैं, ऐसे समझ के चलो, एक ये ट्रेंड बनाया मैंने, ये अब ट्रेंड मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर के फिबोनाची सीरीज ड्रॉ करूंगा यहां तक, ठीक है। ये मेरा लो हो गया और ये मेरा हाई हो गया, करेक्ट, यही है, ठीक है। मैंने फिबो ड्रॉ कर लिया, अब ये कितना नीचे आ सकता है, पहले से कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकता है? हाँ, हम फिबो की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे आएगा। अब देखो, मार्केट यहां तक आ सकता है, पहला लेवल ये रहेगा, यहां से टर्न करेगा दोबारा से, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट आ सकता है 0.382 लेवल, ये जो लेवल है 0.382, यहां से लेके टर्न कर सकता है। तीसरा, मार्केट अगर मान लो यहां भी नहीं रुका तो आएगा 0.5, बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है। अगर आप 0.5 की बात करें तो यहां पर अक्सर मार्केट जो है टर्न कर ही लेता है, ये हो गया 0.5, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, यहां पर आके अक्सर मार्केट टर्न करता ही करता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन मान लो किसी कारणवश मार्केट बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में से ही आ गया है, 0.6 पे आ गया, तो ये इसका है एक लास्ट चांस, मार्केट के पास ये लास्ट चांस होता है रिवर्स करने का। अगर 0.68 लेवल से मान लो 0.786 तक आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अब नीचे जाएगा। चलो लाइव एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है। चलो इसको मैं इधर साइड कर देता हूं इसको। अब यहां आपको क्या दिख रहा है, इतना देखो, यहां से आपको ट्रेंड दिख रहा है कि ये आपका हाई है, करेक्ट, और ये आपका लो है। फिलहाल के लिए यहां तक देखो, ये हाई है, ये लो है, ठीक है भाई। फिबो ड्रॉ कर लो यहां से, ऊपर से लेकर फिबो पे मैं क्लिक करूंगा, ये फिबो है, यहां से लेकर मैंने यहां तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, देखो, मार्केट ऊपर से ये नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। ग्रीन कैंडल पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हमको चाहिए एक रेड कैंडल, ठीक है भाई, ये नहीं काम किया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, और देखो आप 0.382 लेवल से ही
मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बना दी, करेक्ट। तो अब हम लोग इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखना इस तरीके से, जब भी हम डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको एक रेड कैंडल की जरूरत है, जो ये रेड कैंडल बनी है 0.382 लेवल पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं और 0.382 लेवल, जो ये लेवल है, इसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का टारगेट इजीली ये लेवल्स निकाल सकते हैं या फिर ये लेवल्स निकाल सकते हैं, इजीली मिलेगा। और देखो इतना गया भी है मार्केट, ठीक है, इजीली निकलेगा। चलो और एग्जांपल, इसको रिमूव कर देता हूं सारी ड्रॉइंग्स को। अब ये तो देखो हमने देखा वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहां देख रहे हो वन डे का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। हो सकता है कई लोगों का कंसर्न ये हो कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखाओ, बड़े टाइम फ्रेम पर तो सब चीजें काम कर जाती है। तो ठीक है, छोटे पे दिखाते हैं, छोटा हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। चलो 30 मिनट का, यहाँ देखो लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा बन रहा है देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ ये ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है, ये देखो ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, करेक्ट। तो यहां से लेंगे हम, फिबो ड्रॉ करेंगे यहां तक किया। अब देखो देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, समझना बात को इस तरीके से दिखाता हूं, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर आया, ये नीचे से ऊपर आया, मूव किया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखो 0.236 लेवल पर यहां पर आया, लेकिन रेड कैंडल बनाई, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बुलिश मूव चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट को नीचे आने का इंतजार करो, नीचे आया, यहां पर आके ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट, 0.236 के लेवल पर ही ग्रीन कैंडल बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल के ऊपर, इसको पहले मैं रिमूव कर दूं, थोड़ा सा ऑड हो रहा है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यहां पर बाइंग परफॉर्म करेंगे, स्टॉप लॉस ये नहीं लगा सकते 0.236 क्योंकि ये बहुत पास हो रहा है, इसलिए हम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमारा ये लेवल्स निकलेगा या फिर ये लेवल्स निकलेगा, चलो ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं भाई, 30 मिनट पे दिखा दिया, 15 मिनट देख लेते हैं, चलो 15 मिनट और देख लेते हैं, क्या 15 मिनट पे काम करेगा कि नहीं करेगा। काम तो देखो सब पर ही करेगा, बट चलो 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 मैं दिखा देता हूं, ये रहा, ये बना मेरा ट्रेंड, ठीक है, ये है मेरा लो और ये मुझे दिख रहा है अपना हाई, ठीक है। यहां से देख लेता हूं, ये रहा लो और ये रहा मेरा हाई, मार्क कर लिया। अब देखो ये वही कंडीशन है जो अभी हमने 30 मिनट्स पर देखी थी, आप देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, ऊपर आया, मैं यहां से मार्क कर देता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया लेकिन इसने टच नहीं किया 0.236, फिर मूव किया, फिर नीचे आया, तो ये नीचे ही आ गया, लेकिन इसके बाद इसने जो क्रॉस किया है ना मार्केट को 0.236 लेवल को, ये है 0.236 लेवल, इसको इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग परफॉर्म कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था ग्रीन कैंडल के नीचे लगाओगे, आप यहां कहीं पे लगाओगे और टारगेट जो होगा आपका मिनिमम ये लेवल्स को इजीली दे करके जाएगा 1.48 लेवल्स। और ऊपर जाना चाहते हो तो इस लेवल्स पे, ये लेवल तक लेना, इसके ऊपर का लालच मत करो क्योंकि अभी इसके ऊपर का हाई आपको रीसेंट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। रीसेंट में जो हाई है उतना तक ले लो, बहुत है, सफिशियंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मतलब मैं ये आपको समझाना चाहता था कि फिबो लेवल्स जो है ना बहुत काम की चीज है और फिबो के ये सारे लेवल्स काम के हैं, ऐसा ही नहीं। अब जैसे 0.236 और 0.382 का आपने एग्जांपल देखा, अक्सर मार्केट क्या होता है ना, ऊपर जा रहा है, यहां पे आएगा ऊपर निकल जाएगा, यहां तक आएगा ऊपर निकल जाएगा, 0.5 और 0.6 तक आता ही नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो ये दो लेवल्स भी होते हैं मार्केट को रोकने के लिए कि भाई तू नीचे मत जा, रुक ऊपर जा, यहां से मार्केट को रोकने के लिए दो लेवल्स हैं। अगर इनको भी क्रॉस कर गया मार्केट तब तो यार एक अलग ही ट्रेंड बन जाता है, फिर उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो ऊपर से लेके नीचे तक का फिबो लगा लो, फिर यहां से देख लो टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिबो को कैप्चर कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, वो इसके जरिए आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। पता है, मान लो अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है कोई भी, वहां पर अगर आपने फिबो को भी लगा दिया तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना। इसमें एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो आप अपनी स्ट्रेटजी के। अगर आपको फिबो के साथ कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी एप्लीकेबल है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस वीडियो के, मैं वो भी बना दूंगा वीडियो, मुझे क्या इश्यू है, आपको बता दूंगा, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। बाकी फिबो बहुत अच्छा काम करती है मार्केट के अंदर, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूं। और याद रखना, मैं जो भी चीज अपनी वीडियो में बताता हूं वो खुद मैं यूज करता हूं तभी बताता हूं, ऐसा मेरा नहीं है सिस्टम के मैं यूज ना करूं और आपको बता दूं, क्योंकि भाई ये बात मैं भी जानता हूं कि मेरे साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं, जो भी 15,000 से ऊपर हो गए हैं शायद सब्सक्राइबर्स, हाँ 15,300 से ऊपर हो गए, तो मुझे पता है भाई कि ये लोग बिगनर है,
मतलब ये लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं, मेरे पास मैसेज वगैरह आते रहते हैं, तो मुझे मालूम है काफी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी हैं मेरे साथ, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे साथ बिगनर लेवल के जुड़े हुए हैं, तो उनको एक सही गाइडेंस देना। आप सब लोगों को पता होगा मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी #TradeWithAdi, प्लेलिस्ट भी उसकी मैंने आपको बना देखी थी यहाँ पर, लेकिन उस पर ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किए। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि इस सीरीज को अपलोड करने का मेरा मोटो ये था कि मैं नए लोगों तक एजुकेशन पहुंचा पाऊं, नए लोगों को एजुकेट कर पाऊं, जो लोग शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको नहीं पता शुरू से कैसे करना है, लेकिन उस पर रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अब यही मैं अगर कोई उल्टी सीधी वीडियो बना दूं जिसमें लोगों को अगर बेवकूफ बना दूं तो उस पर ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज को अच्छे तरीके से समझा रहे हो, कोई एक सीरीज बना रहे हो, कोई पेड कोर्स को फ्री में दे रहे हो, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं ज्यादा। हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ, लोगों का काफी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है, काफी अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं मेरे चैनल को, काफी अच्छे अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, बट अगर आप और अच्छा सपोर्ट दिखाते हो मेरे तो मैं उस एपिसोड को कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज मैं उस एपिसोड को वहीं कट कर दूंगा। भाई कोई चीज, जब मैं अपना पेड कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट मिले। हालांकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बट इतने सपोर्ट काफी नहीं है, और सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर और सपोर्ट आप लोग यहाँ दिखाते हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा सपोर्ट दिखेगा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आपको एक बिगनर ट्रेडर से लेकर के एडवांस ट्रेडर तक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी ये सीरीज अगर कंटिन्यू नहीं भी होती है, उसके बाद भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहेगा हमेशा, जैसा कि आता रहा है। आप किसी भी वीडियो को उठा करके देख लेना, ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी ये 15 मिनट है ना, ये 14 मिनट की वीडियो, 11 मिनट, 9 मिनट, ये आपके खराब नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट तक की लगभग बनती है मेरी वीडियोस, आप देखोगे आप ये जरूर बोल के जाओगे, हाँ भाई मुझे वैल्यू मिली है, मैं मार्केट के अंदर कुछ नया सीखा हूं, मेरी इस बात की गारंटी है। अगर जिस दिन आप ना सीखो उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना, कोई इशू नहीं है, बट इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि हर वीडियो में, जिस वीडियो में भी आप लोग आए हो, जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, उसमें आपको गारंटीड कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मैं एजुकेशन पर्पज से सारी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सिखा पाऊं ट्रेडिंग क्या चीज है, कैसे की जाती है, ठीक है। मैं खुद तो ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं और भी लोग ट्रेडर बने यार, सब लोग ट्रेडर बने, पैसा छापें, जो लोग भी बनना चाहते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि भाई ट्रेडर बनो बनो बनो, लेकिन जो लोग बनना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर, जो लोग आए हैं उनको मैं ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, खत्म, मेरा इतना सा मोटो है। तो ठीक है, चलो फिर किसी अगली धमाकेदार वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।